देश के प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है, देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, देश के रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है मेरी। मैं कुल्लू बैठ के ही मैंने अपना हैंड ओवर देश के हमारे सड़क परिवहन मंत्री से बात हुई। सभी ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको आर्थिक सहायता सभी प्रकार करेगी। इस विपदा की घड़ी में जहाँ हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर 4,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, हमारी सड़कें टूट गई है, हमारे पानी की पेयजल योजनाएं, आप सब जानते हैं कि नदी और खड्डों के किनारे हमारी पेयजल योजनाएं हैं, सारे हिमाचल प्रदेश में 80% पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा है, बिजली का लार्जी प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा है, लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी डूब गई है, लोग कई बेघर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे निपटने में अभी हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अब मेरा ध्यान जो हमारी एप्पल का सीज़न शुरू होने वाला है, सेब बेल्ट का सीज़न शुरू होने वाला है, उसमें है कि हम उन रोडों को किसी न किसी तरह से खुलवा के सुचारू रूप से चल सके। कल ही मैं इस बारे में बैठक करके फटाफट इंस्ट्रक्शन दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि एप्पल हमारा रोड की कनेक्टिविटी के कारण वहीं गुदा पड़ा हुआ सड़ ना जाए, इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। और अब हमें आने वाले समय में इस आपदा की जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई के लिए बहुत समय लगेगा। सर कल से नहीं, थुनाग में भी तेजी हुई है और मैं ये इस समय उनकी इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का सत्र आएगा तब हम बताएंगे कि आपके समय जब यहाँ हैजा पीलिया फैला था पानी में अश्विनी खंड में, तो कितने लोगों का देहांत हो गया था और कितने दिन में आपने कंट्रोल किया था। हमने तो 48 घंटे में 70,000 के करीब पर्यटक निकाल कर ये दिखा दिया, मनाली और कुल्लू जैसे क्षेत्रों में हमने बिजली टेम्परेरी पहुँचाई है, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचा कर ये दिखा दिया कि ये सरकार काम करने में विश्वास रखती है, अच्छे शासन में, अच्छे प्रशासन में विश्वास रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है, देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, देश के रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है मेरी। मैं कुल्लू बैठ के ही मैंने अपना हैंड ओवर देश के हमारे सड़क परिवहन मंत्री से बात हुई। सभी ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको आर्थिक सहायता सभी प्रकार करेगी। इस विपदा की घड़ी में जहाँ हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर 4,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, हमारी सड़कें टूट गई है, हमारे पानी की पेयजल योजनाएं, आप सब जानते हैं कि नदी और खड्डों के किनारे हमारी पेयजल योजनाएं हैं, सारे हिमाचल प्रदेश में 80% पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुँचा है, बिजली का लार्जी प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा है, लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी डूब गई है, लोग कई बेघर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे निपटने में अभी हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अब मेरा ध्यान जो हमारी एप्पल का सीज़न शुरू होने वाला है, सेब बेल्ट का सीज़न शुरू होने वाला है, उसमें है कि हम उन रोडों को किसी न किसी तरह से खुलवा के सुचारू रूप से चल सके। कल ही मैं इस बारे में बैठक करके फटाफट इंस्ट्रक्शन दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि एप्पल हमारा रोड की कनेक्टिविटी के कारण वहीं गुदा पड़ा हुआ सड़ ना जाए, इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। और अब हमें आने वाले समय में इस आपदा की जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई के लिए बहुत समय लगेगा। सर कल से नहीं, थुनाग में भी तेजी हुई है और मैं ये इस समय उनकी इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का सत्र आएगा तब हम बताएंगे कि आपके समय जब यहाँ हैजा पीलिया फैला था पानी में अश्विनी खंड में, तो कितने लोगों का देहांत हो गया था और कितने दिन में आपने कंट्रोल किया था। हमने तो 48 घंटे में 70,000 के करीब पर्यटक निकाल कर ये दिखा दिया, मनाली और कुल्लू जैसे क्षेत्रों में हमने बिजली टेम्परेरी पहुँचाई है, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचा कर ये दिखा दिया कि ये सरकार काम करने में विश्वास रखती है, अच्छे शासन में, अच्छे प्रशासन में विश्वास रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।